खबर शामिल करेंगे गुलपुर आजाद कश्मीर से, जहां पर अंजुमन ताजरा मिलाद कमेटी गुलपुर की जानिब से शाहजहां जामिया मस्जिद में मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। मजीद तफसील बता रहे हैं कोटली से मोहम्मद नदीम चौधरी। कोटली आजाद कश्मीर अंजुमन ताजरान व मिलाद कमेटी गुलपुर की जानिब से शाहजहां जामिया मस्जिद गुलपुर में मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसका मौजू मकसद मिलाद मुस्तफा था, जिस पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला आसम मुस्तफ़ी मुबल्लिग अदारा अल मुस्तफा इंटरनेशनल ने खुसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि गलियों मोहल्लों को सजाना बाइस बरकत है। आए रोज पूरी दुनिया में किसी न किसी हवाले से कोई न कोई दिन मनाया जाता है, मगर वो दिन क्यों न मनाया जाए जिस दिन नबियों के इमाम मिले, जिनके लिए पूरी कायनात मनाई गई है। मुझे बताएं पूरी दुनिया के अंदर हर को अपने लीडर का दिन कि आने वालों के दिन मनाए जाते हैं, आने वालों के इस्तकबाल किया। मुझे बताओ जिस दिन नबियों का इमाम मिले वो दिन खुशियों वाला नहीं होता। क्या देखकर आए पूरी दुनिया के लिए अखलाक हसना का पैगाम लेकर आए, सच्चाई का नूर लेकर आए, आंखों की हया लेकर आए, जुबान की सच्चाई लेकर आए, दिलों की तहारत का पैगाम लेकर आए, बहनों के लिए भाइयों का प्यार, बेटियों के लिए बाप की शफकत लेकर आए, आने वाले क्या लेकर आए माँ के कदमों तले जन्नत का पैगाम लेकर आए, आने वाले क्या लेकर आए बाप की रिजा में रब की रिजा का पैगाम लेकर आए, आने वाले क्या लेकर आए अल हया व मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा ये आने वाला बता, आने वाले की जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे और आपके लिए रोशनियों का पैगाम लेकर आए। कितने उम्र होती और पीछे रहते की तमाम तो मेन रोड बैंकों से निकाल के कैदे करके खड़े होकर उन्होंने एक लम्हे के लिए बनाए इस रिवायती महफिल से, कोई ऐसा सेक्शन हो, कोई ऐसा लम्हा हो, कोई ऐसा घटना हो जिससे आप तारे से के जनाब अब संतोष होते हैं, अब पैगाम रसूल की खुशी हो। अब बताया जाएगा रसूल का मिशन क्या था, अब बताया जाएगा ये मिलाद का मकसद क्या था। उन्होंने फरमाया था बाप राजी है तो रब रहमान भी राजी है, ये है मिलाद का मकसद। कोई जाके बूढ़ी मां के पांव पकड़ कर हाथ जोड़ कर माफी मांगे तो मां यही कहती ना बेटा मैंने तेरे से क्यों नाराज होना, मैं तो तेरे से पहले राजी हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, लेकिन ये तो बताओ बेटा ये फिक्र बदली कहां से होगी, अभी आपको नहीं पता आज ही तो उनका मिलाद सुना है, जिनकी बारगाह में उनकी रजाई बारगाह भी आई तो अपने गर्दों की चादर उतार के नीचे जमीन पे बिछा, ये है मेरा का मकसद। हाँ हाँ बस मासूम फजर की नमाज में मस्जिद में नजर आते कारी साहब से मुबारक बात कर के बेटा कमाल कर दिया, आज पहली नमाज फजर की वो भी बात जमा, ये रातों रात तब्दीली कहां से आ गई, क्योंकि हजरत आपको नहीं पता आज ही तो उनका मिलाद सुना है जिन्होंने बताया था मेरी आंखों की ठंडक की नमाज पे रखी है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला असम मुस्तफ़ी का कहना था कि आजकल हजारों रुपए देकर खतीब और उलमा लाए जाते हैं, पूरी रात आने वाले सर्दी में बैठे रहे और सुबह फजर की नमाज के वक्त आंख न खुले, ये कैसे हो सकता है। मदद तो अब है जो लोग मिलाद मुस्तफ़ा में आए तो अपने अंदर कुछ समा कर लेकर जाएं, अपनी गलतियों की इसलाह करें और आकायद जहां की सुनतों पर अमल करें। कैमरा मैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, कोटली आजाद कश्मीर।